छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। स्मॉल स्टोरीज टीच वेरी बिग लेसन्स। आज की कहानी गांव में रहने वाले दो दोस्तों की है, बैजू और उत्तम। साथ साथ बड़े हुए, दोनों की शादियां हो गई, दोनों के बच्चे हुए और बच्चे बड़े हो गए। बैजू के लड़के को मिल गई शहर में नौकरी, लड़का गया शहर, साथ साथ गया बैजू का परिवार। गांव में रहने वाला उत्तम उदास हो गया। 6 महीने बीत गए, उसे लगा कि बैजू से शहर जाकर के मिलना चाहिए, तो उत्तम जी चले शहर बैजू से मिले। जैसे ही उत्तम बैजू से मिले, बैजू ने शिकायत शुरू कर दी। बैजू ने कहा, अरे उत्तम, मैंने तुम्हें एक के बाद एक 6 चिट्ठियां लिखी और तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा तुम तो मुझे भूल ही गए। उसी समय बैजू की लड़की रूम में आई चाय लेकर के और बोली, पापा, आपने उत्तम अंकल को 6 चिट्ठी लिखी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपने चिट्ठियों को लिखने के बाद कभी पोस्ट ही नहीं किया। सारी चिट्ठियां तो मेज की दराज में पड़ी हैं। कहानी बड़ी छोटी है, सिखाती है बहुत बड़ी सीख। हम क्या करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, लक्ष्य रखते हैं और लक्ष्य कभी कभी बहुत बड़ा भी रखते हैं। काम शुरू होता है, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर या बहुत देर बढ़ने के बाद हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम काम से थक जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। काम करना बंद करते हैं या काम को पूरा नहीं करते। हम समझ नहीं पाते कि इस काम को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे और काम अधूरा छूट जाता है, परिणाम मिलता नहीं। छोटी छोटी कहानियों में सीखते सीखते इस दौर में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।